वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हल्फ बरदारी आज शाम 4 बजे वानी सदर में होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी बहारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। आसिफ जरदारी ने 411 जबकि उनके मदे मुकाबल अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अटक से 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर पाए। गुज़िश्ता रोज होने वाली वोटिंग में आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 वोट लिए जबकि महमूद अजगजई 119 वोट ले सके। आसिफ जरदारी को पंजाब असेंबली से 43 इलेक्टोरल वोट मिले जबकि महमूद अजगजई पंजाब असेंबली से 18 वोट हासिल कर पाए। सिंध असेंबली से आसिफ जरदारी ने 58 वोट लिए और महमूद अजगजई सिर्फ 3 वोट ले पाए। हैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आसिफ जरदारी ने 8 वोट लिए जबकि महमूद अजगजई ने 41 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान असेंबली से आसिफ जरदारी ने 47 वोट लिए जबकि महमूद अजगजई कोई वोट हासिल न कर सके। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आसिफ जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतहा जमहूरी इकदार का तसलसल है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अजगजई ने कहा है कि सदारती इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए। पहली बार सदारती इलेक्शन में न कोई वोट बेचा गया न खरीदा गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद खान अजगजई ने कहा कि सदारती उम्मीदवार नामजद करने और साथ देने पर पीजीआई का मशकूर हूँ। महमूद खान अजगजई का कहना था कि पाकिस्तान में कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन बाज लोग ऐसे भी हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस साइट पर हूँ। मुल्क में नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पीजीआई के तमाम उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। महमूद खान अजगजई का कहना था कि मुझे अपने सूबे की असेंबली से एक भी वोट नहीं मिला। डॉक्टर अब्दुल मालिक रात तक तो हमें वोट देने पर राजी थे मगर उसके बाद फिसल गए। कम से कम मुझे एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासर की आवाज सुने। एक पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए हैं उसे मानना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाबी अपनी जुबान फख्र से नहीं बोलते। वालदेन अपने बच्चों को अंग्रेजी और उर्दू के साथ पंजाबी भी जरूर सिखाएं। मरियम नवाज ने पंजाब कल्चरल डे की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया और दस्तकारों के मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि सियासत में गालम ग्लोच का होना और माओ बहनों की इज्जत न करना अच्छी रवायत नहीं, इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। उनका कहना था कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी जुबान फखर से बोलते हैं लेकिन पंजाबी फखर से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। मैं खुद को भी इसमें शामिल करते हुए ये बात कह रही हूँ लेकिन बजाते खुद ठेठ पंजाबी हूँ। कमिश्नर फैसलाबाद सलवित सईद का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स का दौरा। खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के जेर तमाम तकरीब में शिरकत। हैंडीक्राफ्ट, ड्रेसेस, फन फॉर किड्स, कल्चरल शो, कैलीग्राफी, ज्वेलरी, फूड कोर्ट, स्किन केयर कैंप का दीगर स्टॉल्स का दौरा। कमिश्नर ने फैसलाबाद स्टॉल होल्डर्स की काबिशों को सराहा। स्टॉल होल्डर्स ने हैंडीक्राफ्ट की तैयारी के हवाले से गुफ्तगु की। खवातीन के हमरा भी मंजे का केक भी काटा। खवातीन हर शोबे में तरक्की की जानिब गामजन है। हुनर अफरादी कुव्वत हमारा सरमाया है। समाजी बहबूद के जेर तमाम रंग इवेंट को सराहा। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिदा रफीक, डिप्टी डायरेक्टर आमना आलमगीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।